जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इज शुएब खान एंड वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ क्रिप्टो अफेयर्स। इट्स 12th of November एंड वी विल गोना बी सीइंग के भाई मार्केट में क्या मामला चल रहे हैं, BTC के क्या करेक्शन है, क्या मामला हैं। ऑल्दो कैश डे स्टार्ट पे हम 90,000 टैप कर चुके हैं, रियली बिग टारगेट दो अगर आप डेली या वीकली पे उस पर देखते हुए जाओ। सो आई गेस एक्चुअली आई बिलीव कि ये मंथली जो है आज तक की सबसे बड़ी BTC ने जो है मूव दी है कैंडल। अभी भी $16,000 की जो है ठीक ठाक एक मूव इन अ मंथ है, अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है, मतलब ये कि अभी हाफ वे भी हम उस पर नहीं आए। सो लेवल्स की बात कर लेते हैं कि करेक्शन के क्या मामला था ये वो करके, सिंस लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 69 के हम लोग बिल्कुल पैराबोलिक गए 90,000 तक, ठीक है। सो करेक्शन बनती है, करेक्शन जो है बहुत ज़रूरी भी है एंड इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैपन, ताकि ऑल्ट कॉइन जो हैं आपके वो भी चढ़ते हुए ऊपर जाएं। तो टोटल जो है आपका वो 2.8 ट्रिलियन, मतलब ये कि अभी एट द मोमेंट चल रहा है एंड वी जस्ट टैप क्लोज टू द यू नो 3 ट्रिलियन, बस ये यहाँ पे था। हम लोग इसके भी ATH पे यहाँ पे आ चुके हैं। ऑल्ट कॉइन्स फ़िलहाल अभी ब्लीड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज अगर आप देखो तो 8% जो है ब्लीडिंग इनमें चलती भी जा रही है, 8% 9% जो बहुत पैराबॉलिक चढ़े थे उनमें 17% आई है। CKB हो गया, बिग टाइम हो गया, फैट हो गया, FTM हो गया, ये जो बिल्कुल पैराबॉलिक जो गए थे, TRB है, इस तरीके से इनमें करेक्शन है। बट इट्स नॉट समथिंग टू पैनिक। अब एक बात जो है ना गौर से सुन लें, पहले BTC की अपडेट मैं दे देता हूँ फिर मैं ऑल्ट के हवाले से बात करता हूँ। हमारे पास जो टारगेट था, एक इफ़ यू रिमेंबर ये मैंने दिया था जुलाई 2023 में, दिसंबर 2023 में, विच वॉज एट $87,000, वो टैप हो चुका, वी आर डन विद डैट, लेकिन BTC ने यहाँ से वापसी नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर आप वीकली चार्ट भी देखते हो इस पर, आई एम गोना हाइड दिस, आई एम गोना कम बैक हेयर, जस्ट एक बताने के लिए कि जब भी आप हाईज बनाते हो इस टाइम पे, इस इम्पल्स का जो हाई था ये वाला था एंड देन फर्स्ट टैप सेकंड टैप एंड देन उसके बाद जो है मार्केट ने रिवर्सल लिया, राइट। इस पूरे मूव का जो एक हाई ये था, फर्स्ट टैप सेकंड टैप एंड देन थर्ड, उसके बाद ये कि फिर हम नीचे की तरफ गए। ये वाला जो हमने हाई दिया था 73 का, ये इस ATH को ब्रीच हमने किया था, ठीक है। इवन दो यहाँ पे भी हमने सेकंड टैप इसका दिया था, फिर ये के थर्ड टैप पे आते, देन वी ब्लेड अ बिट, फिर ये जाके हमने इस पे पैराबोलिक गए। तो बताने का मकसद ये कि भाई ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने यूं ही जाना है आज 90 पे और वो यूं ही नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स एथिकल हारमोनी प्ले आउट होना है और ऊपर जो भी लिक्विडिटी होती है टैप करने की, जो भी मामला होते हैं ये बहुत प्रोमिनेंट एक वो हैं एंड इट्स अंडरस्टूड थिंग कि मार्केट में दो चीज़ें अभी हो रही हैं। पहली चीज़ आपको शेक ऑफ कराया जा रहा है, ठीक है, कि भाई जो भी लॉन्ग्स यहाँ से बिल्डअप करने की उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी, लिक्विडिटी ग्रैप होगी तो हम ऊपर जा सकेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आपके इंडिकेटर रीसेट कर रहे हैं, मीन्स के आपका जब BTC यहाँ पे गया, लेट्स से कि कोई मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे था, वो चलते चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब प्राइस साइडवेज चलती रहेगी तो वो उसको लेके यहाँ तक पहुँच के एक लेके आ जाएंगे, जो भी XYZ मूविंग एवरेज है या जो भी आपका RSI जो है नीचे से बिल्कुल अगर ओवरबॉट हुआ हुआ था तो वो साइडवेज चलना शुरू कर देगा एंड देन इट सपोज टू यू नो ड्रॉप एंड देन दे विल यू नो हंट अगेन, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ओ इट जस्ट अ क्लोजर बिलो मूविंग एवरेज वट एवर XYZ एंड देन दे यू नो लिक्विडेट द शॉर्ट्स एंड इट्स लाइक द सेम सॉन्ग एंड डांस एवरी टाइम। सो दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग इन द मोमेंट, तो इसमें आपने जो है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्या मामला थे, क्या वो नहीं हो रहे। टोटल थ्री में भी जाहिर सी बात है हमें करेक्शन चाहिए थी, जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस थी वो थी मेजर जो टारगेट आपका था 707 बिलियन का था एंड देन वी वेंट अप एज हाई एज 802 बिलियन, $100 बिलियन यहाँ से भी हम ऊपर चले गए एंड देन थोड़ी सी अगर आप इस जगह पे करेक्शन कर रहे हो दैट्स टोटली ओके, क्योंकि ये जो टोटल है 2.8 ट्रिलियन का एट दी एंड आना तो इधर ही है ना टोटल थ्री में। लेट सपोज़ ये अगर 800 बिलियन जो ये 831 है ये उठ के यहाँ पे आ जाते हैं, हम 2 ट्रिलियन को छेड़ भी नहीं रहे डोमिनेंस गिनने की वजह से। लेट से कि जब डोमिनेंस आपकी 52-53 पे जब वापसी आती है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके ऑल्ट कॉइंस ईजिली ऑन एवरेज 2x 3x हो रहे होंगे एट करंट प्राइस से भी, ठीक है। सो दैट्स वॉज हैपनिंग एट द मोमेंट, डू नॉट वरी अबाउट के क्या मामला थे, क्या चीज़ें हैं। बाय द वे लेवल की अगर बात कर ली जाए तो ऊपर वाला लेवल एक 90,776 का है, इट्स सपोज टू बी टैपिंग यू नो क्लोजली जब भी हम यहाँ से निकलेंगे इस रेंज से। और 1 आवर के चार्ट पर अगर हम लिक्विडिटी देख लेते हैं, ऑल्दो कि ये लिक्विडिटी टैप हो चुकी है बट स्टिल मैं एक बता देता हूँ, इस पर जो क्लस्टर आपका आ रहा है वो आ रहा था ये वाला, अब उसका ना लेट एन आवर, वरना ये जो आपका क्लस्टर था लिक्विडिटी का ये फिलहाल अभी टैप हो चुका, हम इसको रीटेस्ट करेंगे जो भी मामला है। तो अगेन
सबसे बड़ा सवाल कि भाई यहाँ से अल्टकॉइन बाय कर लें, भाई शॉर्ट कर दें, तो भाई दोनों चीज़ों में अल्टकॉइन बाय करना चाहते हो इट्स अप टू यू, ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी अल्ट सीज़न अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। BTC यहाँ से यहाँ तक गया है, जो सर्कुलेशन है टोटल BTC में रही है, डोमिनेंस भी आपकी राइज हुई है और जो पैसा है वो भी आपका बेसिकली अल्टकॉइन में नहीं आया है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। अल्टकॉइन बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, इफ़ यू वांट टू डू दैट, अभी भी 9-10% ऑन एवरेज आपके नीचे चल रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन शॉर्ट कर लेना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेली के चार्ट पे देख लो भाई, आपका BOS जो पॉइंट है ना वो है इस जगह पे इस टाइम पे, अभी ऊपर तो आपका BOS बना ही नहीं है, ठीक है, विच इज़ एट 66,824। डेली के लेवल पे लाके एक कैंडल यहाँ पे डेली के क्लोज करवा दो, फिर मेरी भला से इसको भले ले जाना 48 पे, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट इट दो, बट दिस इज़ वेर योर यू नो STF BOS लाइज। तो जब तक हम इसके ऊपर हैं भाई शॉर्ट नहीं करनी, गुनाह है, हराम है, मकरू है, वॉट एवर यू वांट टू से इट, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। ओ बाय द वे वी आर स्टिल मिंटिंग दो, स्कैल्पिंग वगैरह करके जो भी वो मामला चल रहे हैं, स्टिल रनिंग में ट्रेड्स हैं, जो चीज़ें हैं, सो ऑल गुड विद दैट, एंड या डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू, आई एम गोना सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।